हेलो व्यूवर्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जियो फाइबर वर्सेस एयरटेल एक्सट्रीम 2022 में दोनों का कंपैरिजन करके बताएंगे कि किसमें क्या फ़ायदा, किसमें क्या लॉस है और कौन सा ज़्यादा अच्छा है और क्यों लेना चाहिए उसको। और आपकी रिक्वायरमेंट जो होगी उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप कौन सा लीजिए जिससे कि आपका काम अच्छे से हो पाए, क्योंकि बहुत लोगों को ब्रॉडबैंड सर्विस के जियो फाइबर और एयरटेल एक्सट्रीम में कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ले। तो इसमें आज हम पहले प्राइस प्लान्स को देखेंगे, फिर प्राइस और उसके बेनिफिट को देखेंगे, कंपैरिजन ऑफ INR 999 प्लान को देखेंगे, डेटा कैप्स को देखेंगे, नेटवर्क स्पीड एंड परफॉर्मेंस को देखेंगे, इंस्टॉलेशन की प्राइस क्या है दोनों की उसको कंपेयर करेंगे, कस्टमर सर्विस कैसी है ये देखेंगे, एवरेज यूजर बेस क्या है, लोग कितना कौन सा यूज करते हैं और कौन सा आपके लिए राइट है। इट्स डिपेंड टोटली अपॉन योर रिक्वायरमेंट। सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर वाइल चूजिंग द ब्रॉडबैंड प्लान। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं ब्रॉडबैंड प्लान को लेने में। जियो फाइबर रिन्यूड ब्रॉडबैंड प्लान्स। अब जियो का पहले हम लोग देखेंगे। द जियो फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस ऑफर सेवरल फीचर्स, जिसमें है A4K सेट टॉप बॉक्स, सेट टॉप बॉक्स देता है 4K का, लैंडलाइन कनेक्शन देता है, डुअल बैंड राउटर देता है, OTT सब्सक्रिप्शन देता है, TV वीडियो कॉलिंग अलॉन्ग अ रेंज ऑफ प्री पेड प्लान, अब TV वीडियो कॉलिंग का भी फैसिलिटी देता है, ऑफर्स प्लान्स मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली। तो इसमें ये फायदा है कि आपको मंथली, क्वार्टरली, सेमी अलग अलग प्लान्स को वो ऑफर करता है और प्री पेड होता है और कुछ दिनों के लिए अगर आप चाहें तो उसको पॉज भी कर सकते हैं, लेकिन ये फैसिलिटी एयरटेल में नहीं है। वी विल बी एनालाइजिंग द मंथली प्लान फॉर कंपेरिजन। तो चलिए मंथली प्लान देखते हैं कि जियो का कैसा है। इसमें सबसे पहला 399 है, जो 30 Mbps मेगा बिट पर सेकेंड देता है, जिसमें 3300 GB मिलता है, लेकिन कोई एप्स, OTT और फ्री वॉइस नहीं देता है, फ्री वॉइस देता है। उसके बाद आता है 699, जिसमें 100 Mbps मिलता है, 999, जिसमें 150 Mbps मिलता है, 1499 इसमें 300 Mbps मिलता है। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे एयरटेल वाले से। इसमें देखिए थर्ड वाले जब 1000 का कुछ लेते हैं तो उसमें 16 ऐप्स मिलने शुरू हो जाते हैं। ऐप्स की हम लोगों को, क्योंकि यूट्यूबर हैं, उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी OTT ऐप्स। अगर आप स्पॉन्सरशिप का कुछ काम करते हैं तो शायद पड़े उसमें, और तब आपको ज़्यादा, लेकिन इसकी जैसे जैसे आप Mbps ज़्यादा लेते जाएंगे उसका प्राइस बढ़ता जाएगा और रेंज बढ़ता जाएगा, पर मंथ आपको इतना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो बहुत अधिक बिजनेस करने वाले प्रोफेशनल लोग ही इतना कॉस्टली प्लान लेते हैं, मोस्टली 1000 के अंदर ही अंदर लोग ले लेते हैं। अमेजॉन प्राइम एंड नेटफ्लिक्स आर नॉट अवेलेबल ऑन जियो फाइबर OTT एप्स। अब इसमें यह भी प्रॉब्लम है कि नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम ऐप्स नहीं मिलते हैं। द 1 month फ्री ट्रायल पीरियड, देन दिस 30 days फ्री ट्रायल पीरियड इज ओवर, यू कैन बाय द प्लान विच इंक्लूड द अमेजॉन प्राइम एंड नेटफ्लिक्स OTT सब्सक्रिप्शन। लेकिन 1 महीने के जो फ्री प्लान में अमेजॉन और नेटफ्लिक्स नहीं होता, वो 1 महीने के बाद आप प्लान को परचेज कर सकते हैं और उसमें इंक्लूड हो जाता है। All these plans offered by Jio are beneficial towards high-end users and corporate. They provide business-grade connection and are very friendly towards residential use. तो residential use के लिए तो Jio बहुत अच्छा है, लेकिन business के लिए भी बहुत सी facility offer करता है, which you can use for your work. जियो फाइबर प्लान्स आर द सेम ऑल ओवर इंडिया, वेर एज एयरटेल प्लान डिफर बेस्ड ऑन रीजन।
जी डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग एयरटेल का प्लान मिलता है, जबकि जियो फाइबर प्लान जो होता है वो ऑल ओवर इंडिया एक जैसा है। एयरटेल एक्सट्रीम लेटेस्ट ब्रॉडबैंड प्लान, अब हम लोग ने जियो का देखा, एयरटेल का देखते हैं। भारतीय एयरटेल लॉन्च एयरटेल एक्सट्रीम ब्रॉडबैंड प्लान दैट मैच नॉट ओनली जियो फाइबर प्लान एंड स्पीड बट ऑल्सो ऑफर ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर लाइक OTT सब्सक्रिप्शन अलॉन्ग विद द सेम सम स्टूडियो ऐप सब्सक्रिप्शन फ्री कॉलिंग प्लान इंडिया एंड मच मोर। एयरटेल एक्सट्रीम रेंज ऑफ प्लान इज नॉट प्रीपेड एंड वर्क मोस्टली ऑन एडवांस पोस्ट पेड और ओल्ड स्टाइल पोस्ट पेड मेथड। अब हमने जैसे आपको बताया कि एयरटेल में प्रीपेड फैसिलिटी नहीं है, जबकि पोस्ट पेड फैसिलिटी पुराने ब्रॉडबैंड की ही तरह से है, जैसा कि BSNL में होता था। और BSNL अभी भी आपको 75 GB थ्री मंथ के लिए फ्री दे रहा है, और उसके केवल उसका सेटअप बॉक्स लेना पड़ेगा और आप अपने घर पर BSNL भी लगवा सकते हैं। बिलो इज द डिटेल प्लान लिस्ट अमंग विद द प्राइस एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो। अब उसके एयरटेल में क्या क्या फैसिलिटी है ये इसमें ये दिखा रहा है। इसका सबसे छोटा प्लान 499 से शुरू होता है, जो 500 समथिंग GST यूज करके लगता है, और इसमें 40 MBPS की स्पीड मिलती है, जबकि जियो में 399 से स्टार्ट होता है, 30 MBPS मिलती है। 699 में 100 MBPS मिलती है, इसमें 799 में। तो जो भी चार्ज जियो का है उससे 100 रुपीज ज्यादा एयरटेल में है और MBPS मिलता है स्पीड। फिर 999 है जिसमें 150 मिल रहा है, इसमें 999 पे 200 MBPS मिलता है। तो इस तरह से 999 जो है वो एक्चुअली में कंपेयर अगर करिए तो जियो में 150 MBPS जबकि और इसमें 1000 पे एप्स मिलने लगता है। इसमें फैसिलिटी ज़्यादा है, इसमें 7.5 स्टूडियो एप्स जिसने हॉटस्टार VIP अमेजॉन प्राइम वीडियो Z5 सब्सक्रिप्शन इतना सारा कुछ मिलने लगता है। और इसमें स्टार्टिंग से ही आपको ये मेरे ख्याल से 100 रुपीज इसीलिए ये ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं कि ये जो है 5 स्टूडियो एप्स सब्सक्रिप्शन देते हैं और जियो नहीं देता है। 1499 आपका जब ये देते हैं MBPS तो यहाँ पे भी डिजनी हॉटस्टार अमेजॉन प्राइम Z5 इतना देते हैं, लेकिन अभी MBPS ज़्यादा हो जाता है, जबकि इसमें 1499 में 300 MBPS देता और 16 ऐप्स देता है। 2499 वाला जो है इसकी जगह यहाँ पे 3991 GBPS दे रहा है और इसमें मैक्सिमम 399 तक जा रहा है। इसमें आपका 8499 तक जाएगा, जिसमें आपको 6600 GBPS तक स्पीड मिलेगी और 15000 GB मिलेगा, जो बिजनेस पर्सन बहुत हाईली वर्क पर्सन के लिए जरूरत पड़ता है। तो जियो जो है वो बहुत प्रोफेशनल लोगों के लिए है, बहुत प्रीपेड वाला है, जिसमें आप कुछ दिनों के लिए उनके प्लान को रोक भी सकते हैं। एयरटेल एक्सट्रीम हैज वन ऑफ द हाईएस्ट एयर कवरेज व्हेन इट्स कम द ब्रॉडबैंड सेगमेंट। The range of benefit is access to Wink Music Shaw Academy with ₹499 and ₹799 broad plan. The company offers a subscription to Disney Hotstar, Airtel Extreme, Winky Music. और ये सब आपको तभी पता लगेगा जब आप उसके subscription लीजिएगा और use करिएगा, तब आप उसको जान पाइएगा कि कितने अच्छे से आपके पास वो use हो पा रहा है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा GB नहीं चाहिए तो आप छोटा प्लान भी ले सकते हैं, बाद में हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा प्लान अच्छा है। अब हम लोग कंपेयर ऑफर में देखते हैं कि ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर क्या करते हैं, क्या क्या देता है एयरटेल, क्या क्या देता है जियो 999 में। स्पीड आपकी 200 MBPS एयरटेल देता जबकि 150 देता है। एयरटेल डेटा अनलिमिटेड देता ये भी देता है, बंडल कॉल अनलिमिटेड लोकल STD कॉल देता है, फ्री वॉइस कॉल देता है। तो इस तरह से इन दोनों में ये कंपैरिजन आप करके देख लीजिए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप उसको लीजिए।
अनलिमिटेड लोकल कॉल, अनलिमिटेड कॉल और अनलिमिटेड डेटा तभी जरूरत पड़ती है आपको जब आपको हाई स्ट्रीमिंग करनी हो या कास्ट लाइव जाना हो, तो आपका डेटा खत्म ना हो उसके लिए आपको अनलिमिटेड डेटा चाहिए होता है। फ्री सब्सक्रिप्शन अमेजॉन प्राइम, विंकी म्यूजिक, शॉ एकेडमी, अमेजॉन वीडियो, डिज्ने प्लस, हॉट स्टार, गुड सेलेक्ट, सोनी लाइव, इतनी सारी फैसिलिटी आपको जियो सिनेमा, समारो मी, हीरोज नाउ, ये सारा आपको इसमें मिलता है अंडर द 99 प्लान। While Reliance Jio offer access to more OTT apps, Airtel offer faster broadband speeds. So depending on your requirement, you can make a decision. Airtel में speed ज़्यादा मिलती है और इसमें OTT apps भी मिलते हैं। अब आपको depend करता है, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए कि आपकी क्या requirement है, उसके हिसाब से आप plan को लीजिए। Jio Fiber versus Airtel Xstream data caps. While both Jio and Fiber Xstream plan offer unlimited high-speed data with free calling, the maximum limit of users every month is capped by. जब दोनों ही में 3,300 GB मिलता है, लेकिन आपको Airtel में 3,333 GB मिलता है Xstream में. The best part about Airtel Xstream compared to Jio Fiber is ₹299 अनलिमिटेड डेटा टॉपअप। और अगर आपका अनलिमिटेड डेटा खत्म जाता है तो आप 299 का एयरटेल में टॉपअप ले सकते हैं, जिससे कि आप डेटा को एक्सटेंड कर पाइए। अदरवाइज फिर डेटा आपको तभी रिन्यूड होगा जबकि प्लान एक्टिवेट होगा, दूसरा मंथ आएगा और तभी आप काम कर पाइएगा। फेयर यूज पॉलिसी, मोस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंडिया हैव समथिंग नोन as fair use policy, which means that a fixed or predefined amount of data that is close to the maximum given speed shown on your plan. After this data amount is exhausted, the internet speed provided by the broadband reduces significantly until your billing cycle is complete. अब आप ये जानिए कि जब आपका data खत्म हो जाता है तो speed क्यों कम हो जाती है। वो देता तो रहता है डेटा, लेकिन स्पीड आपकी 5G से 4G, 4G से 3G होती जाती है, और जब तक कि नेक्स्ट टर्न आपका नहीं आता बिलिंग का, तो जब आपका अमाउंट खत्म हो जाता है और टॉप अप आप यूज करते हैं तब तो स्पीड कंटिन्यूस बनी रहती है, अदरवाइज डिग्रेड हो जाती है। जियो फाइबर वर्सेज एयरटेल एक्सट्रीम, नेटवर्क स्पीड एंड परफॉर्मेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है। Although both Jio and Fiber and Airtel Xstream offer speed up to 1 Gbps, Airtel Xstream base plan offer 40 Mbps speed in comparison to Jio Fiber base plan, which offer 30. अब Jio में starting का हमने आपको बताया कि 30 Mbps देता है, जबकि Airtel 40 Mbps देता है। Jio Fiber also has 500 Mbps and 200 Mbps speed variation in its plan. Airtel Xstream does not offer any plan with a speed between 300 Mbps and 1 Gbps. ₹99 plan of Jio Fiber offer 150 जबकि Airtel 200 देता है, thereby making Airtel clear choice if you are looking for plan under 1000. तो अगर 1000 के नीचे आप यूज करना चाहते हैं तो, क्योंकि एयरटेल की स्पीड ज्यादा है और वो 200 Mbps स्पीड देता है, तो आपको 1000 के नीचे अगर कुछ फाइंड आउट करना है तो एयरटेल ही लीजिए, जिससे आपकी स्पीड अच्छी बनेगी और आप प्रॉपर ढंग से काम कर पाइए। अब इंस्टॉलेशन प्राइस में क्या डिफरेंस है। जियो फाइबर जो होता है इंस्टॉलेशन चार्ज उसका 2500 है, विच इंक्लूड 1000 फॉर इंस्टॉलिंग एंड 1500 फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है, लेकिन एयरटेल आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लेता है, वो आपसे वायर के चार्जेस लेता है। तो 100 मीटर के लिए तो वो चार्जेस फ्री देता है, लेकिन अगर आपका 100 मीटर से ज़्यादा होता है तो वो ₹8 per 10 meters को चार्ज करता है। And it includes free dual band router and 4K set-top box. और जिसमें आपका dual band router और 4K set-top box include होता है।
जैसा कि हमने इसको पढ़ा और फाइंड आउट किया, अब इसकी सर्विस कैसी है? कस्टमर कैन रीच एयरटेल कस्टमर सर्विस बाय कॉलिंग 121 इंक्वायरी एंड रिक्वेस्ट और 198 फॉर कंप्लेन। अब 198 तो सभी जानते हैं, उस पर कंप्लेन हो जाएगी, और 121 पे आपको इंक्वायरी और रिक्वेस्ट मिलेगी फॉर द रजिस्टर मोबाइल नंबर। लेकिन उसके लिए आपके पास एयरटेल का मोबाइल नंबर होगा, तभी आप कर पाइएगा। दे कैन ऑल्सो सेंड एन ईमेल प्रोटेक्टेड। जियो कंज्यूम कैन कॉन्टेक्ट जियो कस्टमर सेलिंग बाई सर्विसेज बाई कॉलिंग 1991। जबकि जियो जो है 1991 को कॉल करने पर आपको टोल फ्री जो फैसिलिटी है उससे आप फ्रॉम द रजिस्टर्ड सेल फोन, आपके पास जियो का सिम तब होना चाहिए, तब वहाँ से जा करके आप रिक्वेस्ट को क्वेश्चन कर सकते हैं, रिचार्ज प्लान पता कर सकते हैं, डेटा बैलेंस पता कर सकते हैं, वैलिडिटी पता कर सकते हैं, रिचार्ज कंफर्मेशन पता कर सकते हैं। जियो कंज्यूमर कैन रिपोर्ट एनी कंप्लेन का, और कंप्लेन 198 पे जैसे एयरटेल में करते हैं वैसे यहाँ पर भी कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ वेटिंग टाइम एयरटेल सपोर्ट स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर टू जियो, और इनकी सर्विस जो है वो जियो से ज़्यादा अच्छी है, तो क्लियर है कि एयरटेल आपको ज़्यादा बेनिफिशियल पड़ेगा। जियो फाइबर वर्सेज एयरटेल एक्सट्रीम एवरेज यूजर बेस। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स जियो सरपास एयरटेल इन द होम ब्रॉडबैंड मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2021 टू बिकम अ कंट्री नंबर टू वायर्ड ब्रॉडबैंड प्लेयर ट्रेलिंग मार्केट लीडर एंड भारत संचार निगम। तो भारत संचार निगम को से भी आगे जा रहा है। इन अगस्त जियो इनके 0.24 मिलियन जियो फाइबर यूजर थे और यूजर बेस 2 मिलियन तक चला गया था, और मार्केट शेयर जो था उनका इंक्रीज होकर 14.5% हो गया था। एयरटेल में 0.15 मिलियन सब्सक्राइबर थे, बेस जो था 3.69 मिलियन का था, और जी थोड़ा सी कम था सर्विस जो थी, इंटरनेट सर्विस इंक्रीज जो होती है वो 14.45 थी एयरटेल के बनस्पत अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज। अब जियो में विच वन इज राइट फॉर यू, अब इन सब चीजों को देख के आपको क्या लगता है कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है? नाउ दैट वी हैव टू हैव द डिटेल ऑफ अबव प्लान, लेट्स टेक क्लोजर लुक ऑफ सम ऑफ यूजर्स विद यूज केस विद रिकमेंडेड प्लान। अब आपके लिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो 499 वाला पर मंथ सफिशियंट है, क्योंकि इसमें आपको इफ यू आर स्टूडेंट नीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क एट द होम फॉर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस मस्ट गो विद द प्लान ऑफरिंग 500 टू 1000 ऑफ डेटा पर मंथ। तो ये जो है 500 से लेकर 1000 GB तक डेटा देगा एयरटेल, तो आप उसके लिए 499 वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फॉर वर्क फ्रॉम होम फॉर होम यूसेज स्पीड एंड डेटा अलाउमेंस बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, जियो फाइबर एंड एयरटेल एक्सट्रीम ऑफर 3000 GB ऑफ डेटा पर मंथ अक्रॉस ऑल देयर प्लान एट 699 पर मंथ। अब 699 पर मंथ अगर आप लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड डेटा 3000 GB गीगाबाइट डेटा मिलेगा। फॉर स्ट्रीमिंग वीडियो फॉर स्ट्रीमिंग मूवी एंड HD वीडियो प्लान्स दैट ऑफर हाई स्पीड एडिक्वेट डेटा शुड बी कंसिडर्ड, द बेस्ट फॉर दिस यूज केस आर प्लान स्टार्टिंग फ्रॉम 699 बाय जियो फाइबर एंड एयरटेल एक्सट्रीम। फॉर दिस यूज केस देयर आर 150 to 200 MBPS प्लान आर ऑल्सो रिलेटिवली अफोर्डेबल, और इसी की तरह से 150 से 200 तक का जो प्लान है वो आप ये 150 देखिए इसमें है ना अप टू 150 MBPS और इसमें एयरटेल में 200 MBPS, दैट मीन्स कि अगर आपको स्ट्रीमिंग करनी है तो 1000 वाला अगर आप लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा ले तो बेनिफिशियल होगा। मेरे ख्याल से जिसकी स्पीड अच्छी और जिसमें ज़्यादा डेटा मिल रहा वो लेने से हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
Ratan Agarwal, IT Informer. Follow my all social media links. Join my Telegram channel, TechRatan. Thank you.